Vivo T3 Pro 5G फोन में बैटरी पावर शिफ्ट कैसे करें। दोस्तों, आप अपने फोन को ज्यादा यूज करते हैं तो जो आपका बैटरी है जल्दी लो हो जाता है, तो इस प्रॉब्लम को आप अपने फोन के सेटिंग से सॉल्व कर सकते हैं। जो आपका बैटरी पावर है लगभग 50% सेव होगा और आपका जो बैटरी अगर 4 घंटे चलने वाला है तो लगभग 8 घंटे तक चल पाएगा। तो इस सेटिंग को आप अपने फोन में कैसे इनेबल करेंगे, कैसे यूज करेंगे, चलिए अपनी सेटिंग को ओपन करते हैं और वहां से आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको अपने फोन सेटिंग को ओपन करना है, तो हम यहाँ पे अपने फोन सेटिंग को ओपन करेंगे। आप देख रहे हैं जो हमारा फोन सेटिंग है यहाँ पे ओपन हो जाता है, और इस तरह से आपको अपने फोन सेटिंग को ओपन करना है। थोड़े से नीचे आना है, यहाँ पे आपको मिल जाएगा बैटरी का ऑप्शन, तो हम यहाँ पे बैटरी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं बैटरी का ऑप्शन है, आपको उस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे जो आपका बैटरी परसेंटेज है यहाँ पे शो हो जाएगा और आपका फोन कितना चार्ज है ये चीज आपको स्क्रीन पे आएगा, और नीचे कुछ सेटिंग आपको मिल जाएगा। तो आपको इस सेटिंग में आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा बैटरी सेवर, तो आपको बैटरी सेवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आप देखेंगे यूज बैटरी सेवर, उसके आगे में छोटा सा बटन आता है तो आपको उसको इनेबल करना है। जैसे आप इसको इनेबल करेंगे आपके फोन में जो आपका बैटरी है वो सेव होने लग जाएगा। अगर आपका बैटरी 4 घंटे चलने वाला है तो आपका जो बैटरी है लगभग 8 घंटे तक चलेगा। ये सेटिंग आपको तब ऑन करना है जब आप अपने फोन को ज्यादा यूज करेंगे। जैसे आप अपने फोन को ज्यादा यूज कर रहे हैं या कोई मूवी देख रहे हैं, ऐसे टाइम में आपको क्या करना है, इस सेटिंग को इनेबल कर लेना है। जो आपका बैटरी अगर 4 घंटे चलने वाला है तो लगभग 8 घंटे तक चलेगा, और आपके वीडियो या फोटो या जो आप अपने फोन में यूज करेंगे उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिर्फ आपके जो फोन की बैटरी है वो ज्यादा टाइम तक चलेगा और आप अपने फोन को ज्यादा टाइम तक यूज कर पाएंगे। तो इस तरह से आप अपने फोन में बैटरी पावर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप लो मोड लगाना चाहते हैं तो लो मोड भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि लो मोड में होता है कि जैसे आप अपने फोन को यूज कर रहे हैं आपको याद नहीं कि हमारा जो बैटरी है लो हो रहा, तो अगर आपके फोन में लो मोड लगा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा हमारा जो बैटरी है लो हो रहा। उसमें आपको बैटरी परसेंटेज सेट करना होता है, तो कैसे सेट करेंगे चलिए यहाँ पे आपको बताते हैं। तो उसके लिए नीचे आपको मिलता है सेट है शेड्यूल, तो आपको इस पे क्लिक करना है, और इसके बाद यहाँ पे आपको बैटरी परसेंटेज सेट करने को आ जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 62% आपको इस पे क्लिक करके और यहाँ पे बैटरी परसेंटेज मैनेज कर देना है। जितना परसेंट आप यहाँ पे सेट करेंगे उतने ही परसेंट पे जब आपकी बैटरी लो होकर आएगी तो ऑटोमेटिक आपका जो बैटरी सेवर है वहाँ पे इनेबल हो जाएगा, और आपको पता भी चल जाएगा जो हमारा बैटरी है यहाँ पे लो हो चुका है और वहां से आपका बैटरी भी सेव होगा। दोस्तों, कभी कभी आप अपने फोन में अगर बैटरी सेवर यूज कर रहे हैं और ऐसे टाइम में क्या होगा कि आप अपने फोन को चार्जिंग लगा देंगे, जैसे आप चार्जिंग लगाएंगे जो आपका बैटरी सेवर है वो तुरंत बंद हो जाएगा। तो आप उसको इनेबल रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है टर्न ऑफ व्हेन चार्जिंग, आपको इस बटन को यहाँ पे इनेबल कर देना है। आप अपने फोन को चार्जिंग लगाएंगे तब भी जो आपका बैटरी सेवर है वो ऑफ नहीं होगा। तो इस तरह से आप अपने फोन के अंदर बैटरी पावर सेव कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, अगर हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।